किसान भवन शिमला से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। बेरोजगार शिक्षकों का आरोप है कि प्रदेश में लगभग 22,000 से 40 बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं, जबकि पिछले कई वर्षों से तीखी हथुआ हिंदी पी के पदों पर भर्ती नहीं की गई है। श्रमिक शिक्षकों का कहना है कि 2 साल पहले निकाली गई 860 पदों की भर्ती को सरकारी रिजल्ट नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। शिक्षकों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरकार को इस मामले में जल्दबाजी दिखानी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की संख्या काफी बड़ी है। इन बेरोजगार शिक्षकों का कहना है कि यदि यह सरकार 5 साल बाद भी इन भर्तियों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो यह 22,000 शिक्षक अपने परिवारों सहित आने वाले विधानसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या कुछ डिमांड्स को लेकर और कहाँ तक आपके? मैं सर डॉक्टर रमेश राजपूत, मुख्य सलाहकार बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश। हमारी जो मांग डिमांड है मुख्य तौर पर ये रही है कि 870 पोस्टें हमारी निकली है पिछले एक वर्ष में, उसके बाद कुछ अयोग्य जो शारीरिक शिक्षक थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट के केस के बाद हम 2 महीने पहले कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बिल्कुल फंसी हुई है। जो वर्तमान सरकार है वो हमारी पोस्टें अभी नहीं भर रही हैं, तो हम आज हमारा मुख्य उद्देश्य सड़कों पर उतरने का, प्रोटेस्ट करने का यही रहा है कि आचार संहिता से पहले हिमाचल सरकार जल्दी से जल्दी हमारी इन 870 की पोस्टों को भरा जाए और इन इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। हमारी रैली यहाँ मिड बाज़ार होते हुए DC ऑफिस तक जाएगी। DC साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम सेक्रेटरी जाएंगे, CM साहब को अपना ज्ञापन देंगे। पहले तो अब कोई गिनती नहीं है, बिल्कुल शिमला ही शिमला में कम से कम हमने 4-5 बार प्रोटेस्ट किया है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी अभी CM साहब गए वहाँ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2, 3-3 हमने फाइलें दी है, तो इसे अनगिनत है। मुझे लग रहा है कि 100 से ऊपर हमने फाइलें दे दी, आश्वासन ही मिले, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और तो अगला कदम हमारा, अगर सरकार हमारी पोस्टें आचार संहिता से नहीं भरती है, से पहले नहीं भरती है, तो हम नोटा दबाएंगे। हम साथ, हमारे बिल्कुल परिवार में 1:7 का रख लो आप, 6-6, 7-7 कैंडिडेट है, और औरों को भी हम यही सलाह देंगे कि हम नोटा दबाएंगे, इस सरकार के लिए हम वोट नहीं देंगे। जो संख्या है आज हम लगभग 200 के करीब हैं, और बेरोजगार जो अभी हिमाचल प्रदेश में है वो 22,000 के करीब है।